सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज मारुति सुजुकी के मैं एक बग दिखाने वाला हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन टच कर रहा हूँ बट इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एंड्रॉयड ऑटो अभी चल रहा था और अपने आप रुक गया, और अब किसी कोई भी बटन काम नहीं कर रही है, ना ही पावर बटन, ना ही वॉल्यूम बटन, ना ही होम बटन, और ना ही स्लाइड हो रहा। हाय, ये व्हाट, अब अपने से कुछ भी हो रहा है, ये मतलब अपने से ही सॉरी, जो चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ भी खुल रहा है। ये सेंटर का तो पार्ट ही गायब हो गया है। सो कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है। और एंड्रॉयड ऑटो के साथ एक और दिक्कत है, जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट होता रहता है, पता नहीं क्या हो जाता इसे। हाँ सेंटर पार्ट ही नहीं हो रहा, एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। देखते हैं शायद अब चल जाए। ओपन होने में काफी टाइम लगा था ये। सो अब ये पूरी तरह काम करने लग गया स्टार्ट करने के बाद। अब सारे बटन काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड ऑटो भी काम कर रहा है जैसे देख सकते हैं आप ये इधर। और इसके साथ एक और दिक्कत है एंड्रॉयड ऑटो के साथ, कि एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार अपने आप ही कुछ देर चलने के बाद। जैसे ही अगर मतलब मैंने ये नोटिस किया कि हॉर्न के साथ होता है, जैसे मैंने कुछ देर हॉर्न दबा दिया लंबे समय तक तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर खुद ही कनेक्ट हो जाता है। सो पता नहीं ये कैसी दिक्कत है, कोई बग है या फिर ऐसा ही कुछ सिस्टम ही बनाया गया है। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके साथ ये दिक्कत होती है तो, और अगर ऐसे सॉल्व कैसे करें ये भी बता दें। सो थैंक यू। तो यही जानकारी देनी थी आपको, एक पता नहीं कैसे दिक्कत आ गई थी।